हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लो ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल अथवा टाइटल द्वारा समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फिर भी दोस्तों हम आपको बता देते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि हम पेन ड्राइव में से अपने लैपटॉप या फिर पीसी में फॉन्ट को किस तरह से डालें। तो दोस्तों, हम आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पेन ड्राइव में से अपने कंप्यूटर में फॉन्ट को डालने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगाना पड़ेगा। पेन ड्राइव को लगाने के बाद, जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा लिया, ये मेरा पेन ड्राइव है। उसके बाद उस पेन ड्राइव को ओपन करने के बाद आपका जहाँ भी फॉन्ट रहेगा उस फॉन्ट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको जो भी फॉन्ट को कॉपी करना रहेगा, जिस भी फॉन्ट को आपको अपने कंप्यूटर में डालना रहेगा उस फॉन्ट को आप कॉपी कर लेंगे। जैसा कि मुझे हिंदी फॉन्ट को डालना है तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी का शॉर्टकट होता है Ctrl+C। Ctrl+C से कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सर्च कर लेंगे Ctrl Panel। CON लिखने से ही हमारा Ctrl Panel आ गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको जाना है फॉन्ट्स के ऑप्शन पे। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे खाली स्पेस मिलेगा, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा फॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से ये ऑप्शन दे रहा है। इसको मैं इंस्टॉल करूँगा दोबारा से। तो दोस्तों, जैसा कि ऐसा होने से आपका जो भी फॉन्ट रहेगा वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।